नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल में। आज के विषय में मैं बताऊंगा आपको जो ग्लो लैंप है उसको किस प्रकार से जो है हम यूज़ करते हैं, उसको ऑन करने का तरीका क्या है, उसमें ग्लो लैंप जो हम किस प्रकार से जो है इसको चला सकते हैं। सबसे पहले तो ये देखना है जो इसके अंदर जो ये आप देख सकते हो वो एक नोजल लगी हुई है सामने, ये साफ़ होनी चाहिए तभी ये अच्छी तरह से काम करेगा। और जो है इसका जो पंप है वो सही होना चाहिए। जैसे मैं बता देता हूँ आपको, जो ये वाली वाशर है वो कटी नहीं होनी चाहिए, ये वाशर जो बिल्कुल साफ़ सुथरी होनी चाहिए। और इसके अंदर जो है इसके जो सिलेंडर है इसके अंदर जो है पंप के सिलेंडर के अंदर डस्ट वगैरह नहीं होनी चाहिए, तो वह ये जो बिल्कुल सही होनी चाहिए। और उसके बाद जो इसका एयर ब्लीडिंग स्क्रू है ये भी अच्छी तरह से जो है काम करना चाहिए, क्योंकि जब इसके अंदर जो है गैस बनती है उसको रिलीज करने हम यहाँ से रिलीज करते हैं स्क्रू के द्वारा, तो ये भी काम करता होना चाहिए। ठीक है, तो शुरू करने से पहले मैं जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब चलाकर बताता हूँ। तो इसके अंदर सबसे पहले जो है डीजल, ये डीजल के द्वारा या कैरोसिन ऑयल के द्वारा मिट्टी के तेल के द्वारा जो है चलाया जाता है। इसके अंदर जब भी इसका प्रयोग करना है तो इसमें जो है डीजल या कैरोसिन ऑयल का लेवल जो है पूरा होना चाहिए। तो यहाँ पे जो है हम डीजल या कैरोसिन का ऑयल जो है फिल कर लेते हैं। ये देखो यहाँ पे जो है फिल कर लेते हैं। अभी जो है मैंने इसके अंदर जो है तेल भर दिया है, उसके बाद जो है इसके कैप को जो है अच्छी तरीके से जो है टाइट करना है। यहाँ से जो है पंप के दौरान जो है इसके अंदर जो गैस कंप्रेस होती है वो लीक नहीं होनी चाहिए। उसके बाद हम इसको देखेंगे, पंप को लगाएंगे। पंप लगाते समय जो है ये वाला एयर ब्लीडिंग स्क्रू बिल्कुल टाइट होना चाहिए। तो पंप के दौरान जो है इसके अंदर जो है तेल निकलना चाहिए, जैसे हम पंप लगाते हैं ये देख सकते हो आप, इसके अंदर पंप के बाद जो है तेल आ रहा है बाहर। अभी हम अगला प्रोसेस क्या है इसको मैं रिलीज कर देता हूँ। जैसे अब मैं आपको इसको चलाकर बताऊंगा, तो सबसे पहले तो हम एयर ब्लीडिंग स्क्रू को टाइट कर लेंगे, उसके बाद पंप करेंगे। पंप के दौरान जो तेल है इस प्रकार से बाहर आना चाहिए, लेकिन आग लगाने से पहले जो है इसमें ये ध्यान रखना है कि आग नीचे नहीं लगनी चाहिए यहाँ पर। तो इस जैसे जितना भी तेल है इसके ऊपर गिरा हुआ इसको साफ कर दें, और जो इसकी बर्नर नोजल है उसको जो है पहले गर्म करना है आग के द्वारा, उसके बाद जो है काम करना अपने आप ही जो है शुरू कर देगा। अभी हम ये क्या करेंगे, यहाँ से पंप को रिलीज है हमने थोड़ा सा टाइट किया, उसके बाद जो जितना भी तेल इसके ऊपर लगा हुआ है उसको जलाना है आग के द्वारा, जो है जो इसका ये वाला पाइप है इसको गर्म करना है इस प्रकार से। जैसे ही इसके ऊपर लगे हुए डीजल को आग लगनी स्टार्ट हो जाएगी, उसको हल्का सा स्क्रू को टाइट करके जो है हम पंप लगाएंगे तो ये काम करना शुरू कर देगा। ये देखो इसके अंदर जो है आग, कुछ आपको आग दिखाई दे रही होगी। अभी हम क्या करेंगे, हल्का सा पंप लगाएंगे। ये ध्यान रखना नीचे आग नहीं आनी चाहिए, नहीं तो ये फट भी सकता है। इसके ब्लास्ट होने के चांस जो है बढ़ जाती है।
ये देख सकते हो आप। इस प्रकार से कभी भी प्रेशर जो हुआ स्टार्टिंग में अधिक नहीं बनाना है, थोड़े से प्रेशर को ऊपर इसको चलने दीजिए। उसके बाद इसको जैसे ये गर्म हो जाएगा तो हम पंप का इसका जो प्रेशर है वो बढ़ा देंगे, ये देख सकते हो आप। हाँ, ये ध्यान रखना है इसका जो ऑयल का या फ्यूल का जो लेवल है वो पूरा होना चाहिए। इसमें लगभग जो है एक लीटर में जो है लगभग जो है 800 ml तो डीजल होना ही चाहिए। इससे कम होगा, हाफ से नीचे होगा तो ये काम नहीं करेगा या दिक्कत आएगी हमें जो है इस प्रकार से थोड़ा। अभी आप देख सकते हो अभी गर्म हो गया ये, अभी इस प्रकार से जो है काम करना जो है इसने शुरू कर दिया है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपने ब्लोअर चलाना जो सीख लिया होगा। जिन्होंने जिनको कुछ पता नहीं भी चला तो कमेंट में वो बता सकते हैं, मैं दोबारा से बता सकता हूँ आपको। कई बार कईयों को दिक्कत आती है कि आग किस प्रकार से जो है इसमें लगती है, आग नीचे आ रही है, हमें सेफ्टी क्या ध्यान में रखना है, तो मैं सभी जो बता सकता हूँ आपको दोबारा फिर बता दूँगा। तो इस प्रकार से जो है ये काम करता है। धन्यवाद।